जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले साबिक जंगजुओं की बीवियों ने आज बारामूला में अपने मुतालबात खास तौर पर सफरी दस्तावेजात की फरहमी के हक में एक बार फिर एहतजाज किया। कश्मीर में बिहाई गई पाकिस्तानी खवातीन ने बारामूला करियापा पार्क से लेकर खानपोरा के मकाम तक एक एहतजाजी रैली निकाली। एहतजाज में शामिल खवातीन ने कहा कि हमने कश्मीरियों के साथ शादियां करके कोई जुर्म नहीं किया है और जिस तरह से कश्मीरी भारत के शहरी है इसी तरह से हम भी भारत के शहरी है। एहतजाजियों के साथ इनके बच्चे थे और एहतजाजी जमकर नारेबाजी भी कर रहे थे। इनका कहना था कि अगर हुकूमत हमें तस्लीम नहीं करती है तो हमें पाकिस्तान वापस भेजा जाए। इस मौके पर मिसबा नामी एक एहतजाजी ने कश्मीर क्राउन के साथ बात करते हुए कहा कि हुकूमत हमारे मसाइल की तरफ तवज्जो नहीं दे रही है। इनका कहना था कि हम बार बार अपने मुतालबात को लेकर एहतजाज दर्ज कर रहे हैं लेकिन हुकूमत तवज्जो नहीं दे रही है। हम आखिरी सांस तक अपने मुतालबात के हक में एहतजाज करते रहेंगे। खानपोरा के मुकाम पर पुलिस ने इन सारी ख्वातीन को हिरासत में ले लिया। वाज़ह रहे कि सन 2010 में उमर अब्दुल्ला के दौर हुकूमत में जंगजुओं की बाजाबादकारी पॉलिसी के तहत करीब 450 कश्मीरी जो असला की तरबियत के लिए सरहद पार कर गए थे अपनी बीवियों के साथ वापस वादी कश्मीर आए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं आशिक मीर। कश्मीर में बिहाई गई पाकिस्तानी खवातीन का आज बारामूला के कस्बा में प्रोटेस्ट। यहां पर आप देख सकते हैं पीछे कि खवातीन जो है वो उड़ी की तरफ मार्च करने लगी है और यहां पर जो है ये एक ही मांग कर रही है कि क्या हमने कश्मीर में शादी करके कौन सी गुनाह की है। इस हवाले से यहाँ पर कई सारी ख्वातीन ने आज बारामूला पार्क रोड से प्रोटेस्ट निकाला और इन ख्वातीन का यही कहना है कि हमें पाकिस्तान वापस भेजना चाहिए, यहाँ की सरकार जो है वो हमें दस्तावेजात फराहम नहीं कर रही है, जिसके हवाले से आज यहाँ पर ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आप मुझे बताइए आज का यहाँ पर प्रोटेस्ट करना क्या लग रहा है आपको? जी बिल्कुल, ये हमारे हमने बहुत सारे प्रोटेस्ट किए लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। अब हम यही चाहते हैं कि बस आज हम निकले हैं, आप बॉर्डर खोलिए। हमारी बहुत सारी फैमिली आने के लिए तैयार थी लेकिन कोविड की वजह से अनफॉर्चुनेटली वो नहीं आ पाए, लेकिन आज हमें यहाँ के गवर्नमेंट बॉर्डर खोले और हमें जाने थे, उसके बगैर हम उनसे कुछ नहीं चाहते। जो आज तक आपने प्रोटेस्ट किए, ये प्रोटेस्ट किस हिसाब से बारामूला आपने आपने किया? इससे पहले आपने श्रीनगर में कई सारे प्रोटेस्ट किए, क्या तब से लेकर आज तक सरकार आपकी नहीं सुन रही है? जी बिल्कुल भी नहीं सुन रही है, हालांकि हमने इनको बहुत लेटर्स भी लिखे, हम एलजी साहब से भी मिले लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी, किसी ने हमारी बात नहीं मानी, इसलिए आज हम बॉर्डर की तरफ निकले। आज चाहे आप गोली मारे या जो भी करे, हम वापस नहीं जाने वाले। बॉर्डर खोलिए और हमें जाने दीजिए। हमारा गुनाह क्या है, हमारी गलती क्या है? हमने तो शादियाँ की है, अगर हम इल्लीगल थे तो आप लोग जिस टाइम हम आए थे उसी टाइम वापस भेज देते। अगर आपने रिहैबिलिटेशन पॉलिसी अनाउंस की तो आपने हमें बुलाया और अब आप लोग ही हमें ना रहने दे रहे हो ना जाने दे रहे हो। नाज़रीन आप देख रहे हैं इस खवातीन, इन खवातीन का गुस्सा किस तरह से यहाँ की हुकूमतों पर है। इनका साफ तौर पर यही कहना है कि क्या हमने कश्मीर में शादी करके कौन सा गुनाह किया है। हम अगर अपने जायज़ मुतालबात पूछ रहे हैं कि हमें पाकिस्तान वापस भेजा जाए लेकिन हमारी जो जायज़ मांगे हैं वो पूरी नहीं की जाती है, जिसके लिहाज से आज हमें मजबूरन उड़ी की तरफ मार्च करना पड़ा। मैं आपको बताऊं आज सुबह ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ है और ये लोग जो है उड़ी की तरफ मार्च कर रहे हैं। बारामूला की करियापा पार्क से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ है और इस वक्त हम खानपोरा के नज़दीक पहुंच रहे हैं और आप देख रहे हैं किस तरह से ये खवातीन प्ले कार्ड लेकर हाथों में बैनर लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें पाकिस्तान वापस भेजा जाए। कि हम जाना चाह रहे हैं उड़ी की तरफ, आज हम किसी भी हाल में हम बॉर्डर क्रॉस करके रहेंगे क्योंकि हमारे जो वालिदैन हैं सब कुछ हैं वहाँ पे, बहुत सारे हमारे रिश्ते गुजर चुके हैं, हमने उनकी खुशी में गमी में हम शामिल नहीं हो पा रहे। मेरी जो खुद की मेरी वालदा है उनको मैंने एक साल से उनके साथ मैंने बात नहीं की है, उनको पैरालाइज के 4 अटैक हो चुके हैं, उनसे मैं बात नहीं कर सकती हूँ। मुझे आज किसी भी हाल में वहाँ पर जाना है, मुझे अपनी माँ को देखना है। मैं चाहती हूँ यही कि मैं अपनी माँ की खिदमत करूँ, लास्ट टाइम पर मैं उसके पानी का कतरा उसके मुँह में डाल पाऊँ। एक साल से मेरी माँ बिस्तर में है, वो करबट तक नहीं बदल सकती, उसकी बीमारी की वजह सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ।
क्योंकि वो मुझे यही चाहते बोलती है कि तुम एक दफ़ा मेरे पास एक दफ़ा आ जाओ, उसके बाद मैं खुश अगर मर भी जाऊँ मुझे अफसोस नहीं है, मेरी भी तमन्ना यही है। लेकिन आज मैं इसी वजह से आई हूँ यहाँ पे, मैं किसी भी हाल में आज वहाँ जा के रहूँगी, चाहे ये इस पार या उस पार अगर हमें गोली भी खानी पड़े तो हम खाएँगे, लेकिन हम जाएँगे किसी भी हाल में, हम जा के रहेंगे। आज आप तक खबर पहुँचाते हैं, कश्मीर में बिहाई गई पाकिस्तानी खवातीन का प्रोटेस्ट आज बारामूला में हुआ। ये प्रोटेस्ट आज करीबन 11 बजे बारामूला करियापा पार्क से होकर खानपोरा में इख्तिताम हुआ, जहां पर इन खवातीन का कहना था, आप मेरे पीछे, पहले मैं आपको मनाजिर दिखाता हूं, ये कैमरे के मनाजिर है, आप देख सकते हैं अपने विजुअल्स में कि यहां पर इस मार्च को पुलिस ने रोका और इन सारी खवातीन को गाड़ियों में डालकर अब थाने ले जाया जाएगा। इन खवातीन ने आज सुबह प्रोटेस्ट किया और इनके मुतालबात थे कि क्या कश्मीर में हमने शादी करके गुनाह किया है, और इनका ये भी कहना था कि हम सिर्फ पाकिस्तान जाना चाहते हैं, हमारे वहाँ पे जो वालिदैन है वो बुरी हालत में है, हम उनकी खैर खबर लेने के लिए जा रहे हैं। आज तक हमारी बात किसी भी सरकार ने नहीं सुनी और आज हमारा बारामूला में प्रोटेस्ट करने का यही मकसद है। इससे पहले हमने श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में कई सारे प्रोटेस्ट किए, लेकिन आज बारामूला से उड़ी की तरफ ये मार्च हो रहा था, जहां पर पुलिस ने इन खवातीन को खानपोरा के मुकाम पर रोका और यहां पर इनको गाड़ियों में ले जाया जा रहा है। कई सारी खवातीन इस वक्त है जो रोड पर धरना लेकर बैठी है, क्योंकि ये वहां पर अपने वालिदैन की खैर खबर पूछने के हवाले से यहां पर रह रहे हैं। इन खवातीन का कहना था कि हम सिर्फ यहां पर दस्तावेजात चाहते हैं जिससे कि हम पाकिस्तान में दाखिल हो जाए, क्योंकि हमने आज 20 साल 10 साल हो गए जब से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कश्मीर में, लेकिन हमारी कोई भी नहीं सुनता है, चाहे हम कोई भी हुकूमत, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत हो या पीडीपी की हुकूमत हो, और आज जो बीजेपी का दौर चल रहा है, बीजेपी के हुकूमत में भी हमें अपने जो वतन वापस नहीं भेजा जा रहा है। आगे आप देख रहे हैं अपने विजुअल्स में किस तरह से ये प्रोटेस्ट जो है अब आहिस्ते आहिस्ते से ख़त्म होता जा रहा है। कई सारी खवातीन को गाड़ियों में भी डाला गया है, इनको थाने ले जाएगा। यहाँ पर पुलिस की सारी टीम और वुमेंस पुलिस को भी बुलाया गया है इन खवातीन को कंट्रोल करने के हवाले से। आप देख रहे हैं अब इनको साइड किया जा रहा है, काफ़ी टाइम तक ट्रैफिक जो है आपको दिखाएंगे। ये जो शहरा है श्री बारामूला मुजफ्फराबाद की तरफ जाता है और इस शहरा पर कम से कम आधे घंटे तक जो है ट्रैफिक मुअत्तल रहा, क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट जो है आधे घंटे तक चालू था बारामूला करियापा पार्क से होकर खानपोरा में। ये इस वक्त यहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं अपने विजुअल्स में कि अब पुलिस ने जो है वो इन खवातीन को कंट्रोल करने में कामयाब हो पाई है और कार्रवाई जो है इस वक्त यहाँ पर इस रोड से जारी है। विजुअल्स में आप देख रहे हैं कि अब इन सारी खवातीन को साइड में किया गया है, कई सारी खवातीन को थाने में भी ले गए हैं। बारामूला में पहली बार बॉम्बे डाइंग, एक मुकम्मल बेडिंग स्टोर जहां बॉम्बे डाइंग के साथ साथ डी डेकोर, पोर्टिको इंडिया, सैप्रोस और ऑब्सेशन के अलावा यहां पर कंफर्टर्स, किड्स बेडशीट्स, टॉवल्स, राजस्थानी डोहार्स, योगा मैट्स, बाथ मैट्स और सर्विकल पिल्लोज भी दस्तियाब है। शादी ब्याह के मुकद्दस बंधन में बंधने वाले अपने हसीन ख्वाबों की तकमील के लिए हमारे पास तशरीफ ले आइए। यहां आपको शादी ब्याह के दिलकश ब्रांडेड आइटम्स के अलावा एक से बढ़कर एक आरामदेह स्लिपर्स, सोप डिस्पेंसर्स, लॉन्ड्री बैग्स, निट क्राफ्ट कोस्टर्स, हैंड बैग्स और टेबल मैट्स भी मुनासिब कीमतों पर दस्तियाब रहेंगे। अब आपको ब्रांडेड आइटम खरीदने के लिए दूर जाने की कोई जरूरत नहीं, एक बार हमें जरूर खिदमत का मौका दे। याद रखे और तशरीफ ले आए बॉम्बे डाइंग नजदीक सीमेंट ब्रिज, अपोजिट हंडवारा सुमो स्टैंड, मेन चौक, बारामूला। राब्ते के लिए डायल करें 9906588733 9596523008।